बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोले चिकन की रेसिपी। छोले तकरीबन हर घर में ही बनता है, बहुत मज़े का होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। छोले चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, छोलिया मैंने लिया 1 किलो, 3 पाव मैंने लिए बोनलेस चिकन, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। 2 बड़े साइज इसके मैंने प्याज लिए, उसे मैंने कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के नमक का, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च का, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, साबुत जीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी मसाले ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, जिसे मैंने कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ जीरा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो ले, जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याजों को नरम होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। 3 से 4 मिनट प्याजों को अच्छे से हमने नरम कर लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढाँक देंगे, दरमियानी आंच पे इसको टमाटर गलने तक पकाएंगे। ये देखिए टमाटर काफी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद फ्लेम तेज कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है, ये देखें बहुत अच्छे से मसाला बन गया है। अब इसमें छोलिया ऐड कर देंगे। छोलिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक छोले का कलर चेंज ना हो जाए। छोले को हमने अच्छे से भून लिया है, ये देखें कलर इसका टोटल चेंज हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको ढाँप के 30 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि छोलिया अच्छे से गल जाए। तीस से 40 मिनट हो चुके हैं, छोलिया कुक हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको शोरबा रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खुश कर लें। मैं इस जगह पे इसमें पिसा हुआ जीरा ऐड कर दूंगी। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं,
छोले चिकन रेडी हो चुका है। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने सिर्फ घर के मसाले ऐड किए हैं, आप इसे नान के साथ रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।